The Afghan people need peace. वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे आज मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब बात कर रहे हैं हम तालिबान के हवाले से उनकी बरबेत के हवाले से और उनसे बचने के तरीक़े या फ्यूचर क्या है उसके हवाले से शाह साहब चली गई अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जीत के हार के जो वो कहेंगे हम मान लेंगे वो आलमी ताकत है जब वो चले गए तो अफगानिस्तान में हम कहते हैं कि अगर हमारी पाक फ़ौज से नहीं समले है तो ये अफगानी फौज से तो क्या समझेंगे समझ लेंगे तो सर समझते हैं कि वहाँ पे जाना बड़ा आसान हो गया वहाँ पे तालिबान ने एक बार फिर अपनी जंग शुरू कर दी अपनी शरीयत अपने नाम का इस्लाम जो है लाने की कोशिश कर दी तो तो ऐसा होगा सर कि यहाँ के उठ के वहाँ चले जाएंगे हमारी मुसीबत आसान हो जाएगी जी ऐसा मुमकिन है और मैं समझता तो हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए जो है जो सोलूशन है वहाँ पर मल्टी सोसाइटीज़ है वहाँ पर पश्तूरस हैं वहाँ पर उजबक्स है वहाँ पर ताजिक्स है वहाँ पर तर्कमन है वहाँ पर पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर हज़ारा है तो ये सारे बैठ के आपस में अगर अपनी पापुलेशन के मुताबिक जो है इनको हुकूमत में हिस्सा ले हुकूमत में हिस्सा मिले तो एक वहाँ पर इंटरनल पीस कायम हो सकती है और लोग जो है वो मतहद हो आ, इनके ख़िलाफ़ ये जो तालिबान है जैसे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमें देखा है और यही चीज़ वो फॉलो कर सकते हैं यानी ये जो तालिबान है ट्राइबल एरिया के बाहर जनूबी वजिस्तान से जब निकलते हैं तो लकी मरव का डिस्ट्रिक्ट आता है उन्होंने पक्की अपनी लश्कर बना के दिन रात को और वो किसी को नहीं आने देते इसी तरह ये जो बाकी से निकल के पेशावर पहुँचते हैं तो इसके मजाफ़ में मथनी है अजीज़ई अध, है बडा है माशू है बाजि खेल है ये तमाम गांव जो है इन्होंने अपने अपने लश्कर तैयार किए हुए हैं रात दिन जो है वो चलते रहते हैं वो कहते हैं हम इनको यहाँ अंदर नहीं आने देंगे तो आ, उसी तरह लोग उनके ख़िलाफ़ मुतहद हुए हैं तब ये रुके हैं इस ट्राइबल एरिया में जब एक दफ़ा ये किसी के ऊपर काबिज़ हो जाते हैं तो फिर ये हमेशा उन लोगों को या उन एजेंसीज को टारगेट करते हैं जो लोगों को इनके खिलाफ मुतहद कर सकते हैं जिस तरह मलिकस है यहाँ ऊपर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं या खासा अर्जे तो ख़ास कर जो है ये उन लोगों को टारगेट करते हैं ताकि बाकी लोग ये जो है अलामिया की बिल्कुल एक मखलूक है बेचारे क्या करें तो वो एक होस्टेज बन जाते हैं अफगानिस्तान में यही हुआ और जब तक कि वो वहाँ के लोग मुतहद नहीं होंगे तो इनके ख़िलाफ़ वो कामयाब नहीं हो सकते लेकिन चले जब तक नहीं होते और इन लोगों को भी एक दो चांस मिले कि अगर आप जो है इंसानियत की तरफ और इंटरनेशनल नॉम्स को देख के और इस्लाम की सही रूह को समझ ले कि ये जो तरीक़े आप लोग करते रहे ये इस्लामी नहीं है और ये बाकी सारी इस्लामी मालिक भी उनको कह सकती हैं तो मुमकिन है कि इनका असर अफगानिस्तान में ज़ायल हो वक्त के साथ क्योंकि अभी जो अमेरिके की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गया क्योंकि बग़ैर काबिल की कहीं और पे जो है उन्होंने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए कि वो इनके साथ मिलें और तब जो है पूरे कंट्री साइड में आ, आपने देखा कि आ, इनके रैंक जो है वो मजबूरी के तहत कह रहे हैं कि जी तालिबान अच्छे हैं लेकिन जब उनको आज़ादी वहाँ से मिलती है अभी स्वाद में कुछ अर्सा पहले कोई आदमी कह भी नहीं सकता था कि तालिबान बुरे हैं जब आपने वहाँ पर ऑपरेशन किया वहाँ से निकाला तो अभी उनकी डिमांड है कि जो लोग आपने पकड़े हैं उनको सज़ा आप दें ताकि हमारे जो लोग इन्होंने मारे हैं आ, उनका जो बदला कम से कम हो सके तो मैं समझता हूँ कि ये हालात अफ़ग़ानिस्तान में भी उस तरह लोग हैं अगर वो यूनाइट हो सकते हैं किस तरीके से और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि जी आप लोगों ने ये इस्लाम को कैसे बना दिया है आ, इस्लाम तो एक बड़ा इंक्लूसिव मजहब है और इनको जो मुला उमर कह रहे थे जब वो जो बुद्ध थे उनको माँ उनको वो वो कर रहे थे शेय कर रहे थे तो उनको बताए कि आपसे पहले कितने मुसलमान हुकुमरान अफ़गानिस्तान में गुजरे हैं और क्या वो सही हुकुमरान नहीं थे वो क्या इस्लाम पसंद नहीं थे और उन्होंने क्यों इनको नहीं गिराया कि, कि आप जो है अभी आके आप समझते हैं कि ये 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 बुद्ध जो है ये वो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जो इनके अमाल हैं वो खुद ही बोल रहे हैं लेकिन हम चूंकि बात नहीं करते हम समझते कि चले अफ़ग़ानिस्तान है अफगानिस्तान की अपनी एक सोसाइटी है अपना एक मुल्क है लेकिन इन्होंने जो है इतनी गलतियाँ की खुद ही जब अफ़ग़ानिस्तान के लोगों से बात होती है कि ये देखे आपने क्यों सोवियत यूनियन को इन आप में से कुछ लोगों ने इनवाइट किया आपके मुल्क में आए और आपके मुल्क के निज़ाम को दरम भरम किया उसकी वजह से अमेरिका वाले इधर आ गए और ये मिडिल ईस्टर्न ग्रुप सारे इधर आ गए एक जिहाद बरपा हो गया फिर उसके बाद एन की शुरू हो गई हर जगह पे कमांडर जो है बैठ गए चैनल लगा कर लोगों से पैसे लेने लगे तो उसके रिएक्शन में फिर ये तालिबान आए तो ये लोग कब आप अपने मुल्क को संभालेंगे और अभी जो हामिद करजई साहब की स्टेट स्टेटमेंट आप देखिए कि जी अफगानिस्तान के अपने नौजवान और अपने लोग जो है वो इस काबिल होंगे कि वो अपनी दिफा कर सके वगैरह वगैरह तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको कामयाबी हो पाकिस्तान उनकी मदद करना चाहता है और ये भी जो तालिबान है अफगानिस्तान में कि ये भी जो अपनी गुनाह है उनसे तोबा करे और वापस मिलना चाहे तो मैं समझता हूँ कि इनके रैंक्स एंड फाइल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरी के तहत इनके साथ मिले हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता है नहीं अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर तो पर कराची पर तालिबान अला ना करे कब्जा हो जाए और वो जिस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ बात करता है उनको वो एजेंट जाहिर करके उसको ज़बा कर देते हैं बाड़ी पहन देते हैं तो सारे लोग जो है वो उसको इनकी इनकी जो दहशत गर्दी है और ये जो दहशत का टेक्निक है इसका मकसद ये है कि बहुत कम लोगों के साथ एक बड़ी आबादी के ऊपर ये कंट्रोल हासिल कर सके मुझे एक वाक़ बुनेर का याद है कि पच्चीस तालिबान दो गाड़ी में आए वहाँ पर पाँच हज़ार लोग थे उस पाँच हज़ार लोग में पंद्रह सौ लोग तो मरते और वो तकड़े थे यानी उसमें बूढ़े औरतें औरते और बच्चे निकाल के पंद्रह सौ आदमी मैंने उनको कहा कि आप पंद्रह सौ आदमी एक तरफ और दूसरी तरफ पच्चीस तालिबान आप क्यों मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि बस वो दहशत उनके ऊपर ऐसी फैली हुई है एक ने कहा कि आपने देखा है कि किसी आदमी को कि उसका जो चमड़ी है लोग उठा उतारें मैंने कहा नहीं कहते हमने देखा है तो कहते है, जब हमने देखा है तो हमारे में वैशत का आप इंतज़ार करें लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो खैर फौजी हूँ मैंने काफ़ी उस किस्म की चीज़ें देखी हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ आदमी को नहीं रोक सकती इस चीज़ से कि आप अपना एक तरफ पाँच सौ आदमी हो दूसरी तरफ पच्चीस आदमी क्यों आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये एक चीज़ है कि जो हमें देख लेनी चाहिए हमारी कबायली इलाके में जो लोग हैं वो एक असल बरदार क़वत है और ये जो तालिबान है उन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है और उनको इतना डराया हुआ है कि वो बावजूद कि वो हथियार का इस्तेमाल भी जानते हैं और हर वक्त हथियार भी रखते हैं तो ये जो इनकी पर्टिकुलर मोटिवेशन है जिसमें उनकी ये खुदकुश हमले हैं ये जो खुदकुशी का पुराना मैं आपको शेख अलजबल का कह रहा था उस वक़्त जो खलीफा था वो भी उनके हाथ मजबूर हुआ था और ब्लैक मेल होता रहता था और वो पैसे उनसे वो लेता था वो शेख साहब और उन्हें ये कुछ लोगों को तैयार करता था तो ये एक पुरानी टेक्निक है ये एक शर फितना है फसाद है जिसको हमने ख़त्म करना है और उम्मीद है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फुल केपबिलिटी किसको के ख़त्म करेगी अफ़ग़ानिस्तान में मुझे शक है क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर जय नहीं कर सकी तो अभी जो है हालात वो देखेंगे कि अपने तरीक़ों से वो क्या कर सकते हैं सही प्रक्रेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया हमें अपना वक्त दिया थैंक यू हमें अपनी राय से आगाह किया आप देख रहे हैं सियासत मना है आप देख रहे थे सियासत मना है आप हमें अपनी राय से भी आगा कीजिए प्लीज़ सियासत मना है फेसबुक पे हमारा पेज है उस पर जाके आप हमें हमारे वीडियोस देख सकते हैं उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं आप हमें ई कर सकते हैं एस एम मैंने कल एक सवाल पूछा था आज फिर से पूछूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो जंगजू हैं ये तालिबान हैं या फिर ये हमारी जहादी आप अगर समझते हैं तो समझें लेकिन ये जो लोग हैं इनके साथ मुजात होने चाहिए आप समझते हैं कि इनको माफ़ कर देना चाहिए और आप समझते हैं कि माफ़ी के बाद ये लोग फिर जो है इंसान बन जाएंगे ये अपनी बरबरीत छोड़ देंगे ब्रिगेडियर साहब ने कहा चमड़ी उतारते हुए मतलब इंसान की खाल उतारते हुए पंद्रह सौ लोगों को आप दिखा रहे हैं तो फिर ये, ये लोग फिर इंसान बन जाएंगे आप आप पूछ रहा हूँ आपसे आप, आप बताइएगा आप एस एम एच इट इन बी सी पाकिस्तान डॉट कॉम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग